अस्सलाम वालेकुम। ओरेकल एसक्यूएल की इस वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे स्लैग डिस्टिंग स्टेटमेंट और वेयर क्लॉज। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा देगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। तो स्लैग डिस्टिंग स्टेटमेंट क्या का यूज किस लिए होता है और क्या इसकी रिजल्ट होता है? द स्लैग डिस्टिंग स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ऑल द डिस्टिंग डिफरेंट वैल्यूज इन साइड अ टेबल। अ कॉलम ऑफन contain many duplicate values and sometimes you only want to listen different distinct values। यानी कि आपको जो जब कॉलम के अंदर रिपीटेशन आ जाती है, वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं और सम टाइम पे किसी टाइम पे आपको चाहिए होता है कि यार मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज, तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस क्या होता है, जैसे स्लैक का होता है, स्लैक आएगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद कॉलम जिस कॉलम पे लगाना है वो आएगा फ्रॉम टेबल नेम, सही है। नेक्स्ट हमारे पास एसक्यूएल वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज, द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। द वेयर क्लॉज इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। यानी कि ये फिल्टर के तौर पे यूज होता है और इसके अंदर आप कंडीशन डिफाइन करते हैं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपका रिकॉर्ड फैच करके लाती है। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी आपने कॉलम करने हैं, फ्रॉम टेबल नेम, सिंपल सिलेक्ट का जो सेंटेक्स था, वेयर का कीवर्ड लगेगा, उसके बाद कंडीशन लगेगी, सही है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिस, तो ये हमारे सब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो चलिए आइए हम एसक्यूएल डेवलपर पर चलते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी दैट फेचेस द यूनिक वैल्यूज फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो पहले हमने रन करी अपनी क्यूरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखें डिपार्टमेंट नंबर का बात हो रही है, डिपार्टमेंट नंबर में क्या है, 20, 30, 30 रिपीटेशन आ रही है वैल्यूज की, 20 फिर आ रही है। अब उसने क्या बोला है, सिलेक्ट करें, सिंपल मैंने सिलेक्ट लिखा, क्या सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, सही है, ये मैंने लिख लिया। अब वो बोल रहा है यूनिक, यूनिक के लिए हमने पढ़ा है डिस्टिंक का कीवर्ड, यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्टिंक, इसके ऊपर डिपार्टमेंट नंबर पे, सही है। तो ये यूनिक वैल्यू उठा के लिया है 30, 20, 10, ये तीन वैल्यू हो रही है और उसमें रिपीटेशन हो रही थी, सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब ये क्या कह रही है, एग्जांपल राइट एन एसक्यूएल क्वेरी दैट फेचेस द यूनिक वैल्यूज ऑफ एमजीआर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सिंपल वही टेबल है, सिर्फ क्या है, कॉलम का नाम चेंज हुआ है। तो हम ये क्वेरी कॉपी करेंगे, कॉपी कर ली और डिपार्टमेंट की जगह एम जी आर कर दिए, रन करेंगे, सही है। ये आपकी यूनिक वैल्यूज आ गए मैनेजर की। अगर हम इसको देखें एम्प्लॉय के टेबल में, मैनेजर के अंदर क्या है, 7698 रिपीट हो रहा है, 7698 देखें। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आई हैं, 58 वैल्यूज आई हैं, सारी यूनिक वैल्यूज आई हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, ये क्या कह रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी दैट फेचेस द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 10। ये बोल रहा है सारे रिकॉर्ड फैच करके लेकर आओ, कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल से, वेयर जो जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो। तो क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, सही है। क्या कह रहा है, सिलेक्ट करें, फैच द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमने कर लिया। क्या कह रहा है, वेयर, वेयर का कीवर्ड आएगा, वेयर के बाद कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए। तो डीपीटी डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, सही है, रन करें। अब ये वो सारे रिकॉर्ड लेकर आ गए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, सही है। इसी तरह आप 20 का करना चाहें, 20 कर लें, एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी दैट फैच द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एक क्यूरी लिखे हैं जो फैच करके लाया है एम्प्लॉय टेबल, रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हूज सैलरी इज ग्रेटर देन 5000। उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी जिनकी 5000 से बड़ी है उनका रिकॉर्ड फैच करके लाया। मैं क्या लिखूँगा, पहले सिलेक्ट, सही है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, सैलरी के ऊपर लगा था हमारा सैलरी के कॉलम का नाम सेल है, सेल ग्रेटर देन
कितनी 5000। बंद करके देखते हैं, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है जिसकी ग्रेटर देन है 5000। अब लिखते हैं लेस देन 5000 कितने रिकॉर्ड है, ठीक है, इतने सारे हैं जिनकी लेस देन 5000 है। लेस देन इक्वल टू 5000 पे देखें, सही है, लेस देन इक्वल टू पे आ गए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू पे देखें, ग्रेटर देन इक्वल टू पे दो रिकॉर्ड है, सही है। तो आज हमने स्लैक डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट पढ़ी, वेयर क्लॉथ को कवर किया है। अगर इनमें कोई आपको सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।